नमस्कार किसान भाइयों, मैं नवनीत सिंह श्री गंगानगर से आज आपको अपने फार्म ग्लोबल मैक्स पिक फार्मिंग पे विजिट करवाऊंगा। मैंने ये फार्म खोलने से पहले बलजीत रंजावाद वाले जैक्स जनरेशन वालों से ट्रेनिंग ली है, जिसके बाद मैं ये फार्म बड़ी सफलता से चला रहा हूँ। आज आपको अपने फार्म की पूरी विजिट करवाऊंगा, किस हिसाब से मैं फार्म चला रहा हूँ और कैसे कैसे मैं मंडी। ये है जी अपना ग्लोबल मैक्स पिक फार्मिंग। ये इसका आउटर व्यू है जी। इसके अंदर लाइट के लिए अपने सोलर सिस्टम लगाया है जो कि 4 किलोवाट का है, और ये पानी के लिए डिग्गी बनाई है। ये इसकी एक तरफ की आउटर साइड है, पीछे इसके अपने गटर बनाए हैं जिसके अंदर शेड की सारी वेस्टेज जाती है। अब आपको दूसरे साइड का दिखाते हैं। और ये जो शेड है अंदर दिखाई दे रहा है आपको, वो 60x45 का है, और उसके आगे है जो जगह वो 26x45 की कवर की है, और ये ऊपर तक दीवारें की गई है। वेंटिलेशन के लिए अपने बीच में खिड़कियां लगा रखी हैं। ये है जी अपना फीड रूम, जिसके अंदर की अपने कैमरा लगा रखे हैं जो कि अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए हैं, कि अपने को फार्म का हर एक व्यू टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये जगह है जी 26x45 की, यहाँ पे अपने फायरिंग के बनाने हैं जो कि अपने जून के अंदर काम शुरू कर देंगे, और इधर अपने दो बोर रूम बनाने हैं। वैसे कि ये शेड के अंदर चीज़ें हैं, पर ये अपने शेड थोड़ा सा बढ़ाना है, तो इसी पर्पज़ के लिए ये पहले ही तैयार करके रखा है। हमने 3 फीमेल और 2 मेल लेके आए थे जो बेलारूस और हैम्पशायर के थे, उसके साथ हमने 25 ये यॉर्कशायर के बच्चे डाले थे। और 6 इनमें से अपने 4 फीमेल इनमें से बढ़ाएंगे। और ये है जी मेरे फार्म का व्यू, जिसके अंदर जो मैंने ये पानी की व्यवस्था है वो भी रंधावा जी के बताए के अकॉर्डिंग की है, वेंटिलेशन वाला वो भी बिल्कुल उनके हिसाब से किया है, छत है जो वो भी मेरे को उन्होंने बताया था कि आप ये सरकंडे की छत डाल लो, इसमें खर्चा कम आएगा। बिल्कुल सही बात है उनकी, इनमें 1.5 लाख रुपया हमारा बच गया। और ये जो पूरा शेड है अपना, ये अपना 11 लाख के अंदर विद माल डाल के तैयार हुआ है जी। ये है जी अपने शेड का इनर व्यू। अपने जो छत डाली है वो सरकंडे की डाली है, ये सर्दियों में गर्म रहती है और गर्मियों में ये ठंडी रहती है। अपने बलजीत रंधावा जी से पूछ के ये हैम्पशायर ब्रीड डाली है जी, ये फीमेल क्रॉस हो चुकी है।